हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। दो दिन बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि दो दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी और उसका ये रीज़न था कि मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। वैसे स्टोरेज फुल हो गया था जिसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो लेकिन मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। सुबह सुबह उठना बहुत अच्छी बात होती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 6 बजे से पहले उठ जाऊँ, लेकिन कभी उठती हूँ कभी नहीं उठती हूँ। आज है संडे और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई। आज मुझे बहुत सारे काम करना है, पहले से ही बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो सबको ख़त्म करना है, तो इसलिए सबसे पहले मैं घर का काम ख़त्म करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग करूँगी। घर का क्लीनिंग अगर सुबह सुबह हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है, और अगर इसे छोड़ देते हैं तो बाद में आलस आने लगती है, मन नहीं होता है करने का, और ख़ासकर खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, और नहा लिए तो उसके बाद तो होगा ही नहीं। तो आजकल ना मैं सुबह उठती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ और तुरंत घर में पोछा लगा देती हूँ। मुझे सबसे टफ़ काम यही लगता है, घर को क्लीन करना, और घर जब तक क्लीन नहीं होता है ना तब तक मन मानता ही नहीं है। पहले मैं सुबह उठती थी तो योगा करती थी और मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता था। अभी तो ऐसा मेरा रूटीन बन गया है ना जैसे कि मैं योगा को भूल ही गई हूँ, करती ही नहीं हूँ। लेकिन मैं सुबह सुबह ना टहलने चली जाती हूँ नीचे, और 10 मिनट टहलूँ या फिर 15 मिनट, जितना भी टाइम मिलता है ना उतना मैं टहल लेती हूँ। बहुत अच्छा फील होता है। वैसे घर का काम करना भी एक्सरसाइज से कम नहीं होता है। तो चलिए बाकी का काम मैं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग के बहुत सारे काम खत्म हो गए, तो अभी 7 बज गया है और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। इतना कोहरा छाया हुआ है, एकदम ठंडा मौसम है और बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है। और पता है टाइम कितना हो गया, 9:30 हो गया है। अभी देखिए अभी तक पूरा कोहरा छाया हुआ है। अभी आफ्टरनून का टाइम है, बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 3 बज गया है और अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि दृशनी को लगा है भूख और अभी मुझे खाना बनाना है। अभी तक मेरा खाना बन गया रहता है। वैसे हम लोग हेवी ब्रेकफास्ट कर लिए थे तो सोचा थोड़ा लेट बनाऊंगी, और मैं कुर्ता सिलने बैठ गई और टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद त्रिशानी। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम सब लोग भी अच्छे हैं। गुड आफ्टरनून। आज है संडे और अभी 3 बज गया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच, बहुत हल्का फुल्का सा। मैं सोची थी डायरेक्ट मैं डिनर बनाऊंगी, लेकिन त्रिशानी को भूख लगा है और हम लोगों को भी हल्का फुल्का भूख लगा है। आज हम लोग ब्रेकफास्ट बहुत हेवी कर लिए थे तो सोचे थे कि हल्का फुल्का कुछ बनाऊंगी। तो चलिए अभी मैं फटाफट से बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मैं फटाफट से आलू मटर का पुलाव बनाऊंगी। ये खाने में टेस्टी भी लगता है और बहुत झटपट बन जाता है। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया था तो उसमें कुछ खड़े मसाले डाली हूँ, तेज़पत्ता, दालचीनी और काली मिर्च, जीरा और लौंग डाली हूँ, और उसके बाद में प्याज डाली हूँ। प्याज को हल्का सा फ्राई कर ली हूँ, उसके बाद में आलू डाल दी हूँ। इसमें सब्जी को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आलू को भी हल्का सा भून ली हूँ। उसके बाद कुटी हुई अदरक लहसुन डाली हूँ और अभी थोड़ा टाइम तक फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें डाली हूँ मटर, और मटर को भी हल्का सा भुनेंगे, ज़्यादा नहीं। साथ ही साथ मैं टमाटर भी डाल दी हूँ, दोनों एक साथ ही भुन जाएंगे। और अभी इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप डाल भी सकते हैं अगर तीखा चटपटा बनाना चाहते हैं तो। मसाले को थोड़ा टाइम तक भूनी हूँ, उसके बाद मैं डाल दी हूँ चावल। चावल को भी अच्छे से भूनेंगे, और चावल को मैं पहले ही धो के रखी हुई थी, इसे भिगो के नहीं रखी थी, धो के ही रखी थी। और अभी इसमें डाली हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और अभी चावल को अच्छे से भूनेंगे। चावल जितने अच्छे भूनेंगे उतना ही अच्छा पुलाव का टेस्ट आएगा और एकदम खिला खिला बनेगा।
तो चावल को देखिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से भून ली हूँ, लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनी हूँ। अभी इसमें डालेंगे पानी, चाहे तो गर्म पानी डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। तो मैं नॉर्मल पानी ही डाली हूँ, कभी कभी मैं गर्म पानी भी डालती हूँ अगर प्रेशर कुकर में नहीं बनाती हूँ तो। अभी मैं धनिया पत्ता डाली हूँ और अभी एक उबाल आने देंगे, उसके बाद ही इसमें सिटी लगाना है। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये किसका है? ये तो मेरा कार्ड है बेटा। अभी एक सिटी लग गया है, गैस को बंद कर दिया है, झटपट ये पुलाव बन जाता है। अभी सिटी लग गया है। झटपटी पुलाव बनाओ। क्या बोला आपने? झटपटी पुलाव बनाया। पता है दृशानी को ना भूख लगा हुआ है, तो मैं सोची कि क्या बनाऊं अभी। तो मटर छील के रखे हुए थे, तो सोची चलो मटर आलू का पुलाव बना देते, और इसको उसी वक्त से बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए ना सरप्राइज है, अभी बताऊंगे नहीं। और अभी मैं आप लोगों को बोली नहीं कि झटपटी पुलाव बन जाता है, तो बोली झटपटी पुलाव बना है। अभी देखिए कितना सारा पिंपल्स आ गया, बड़ा बड़ा पिंपल्स आ गया। जब भी चेहरे में पिंपल्स आता है ना, उसे नहीं, उसमें नाखून नहीं लगाना चाहिए। और मेरी बहुत गंदी वाली आदत है, एक दो भी पिंपल्स निकल जाता है ना तो उसको मैं निखोड़ते रहती हूँ। तो देखिए निखोड़ने की वजह से ना दो बड़ा बड़ा आ गया है। झटपटी पुलाव नहीं खाएगी? झटपटी पुलाव मम्मी, आंसू तो नीचे आया। आंसू नीचे आया था, सारा दिन नीचे ही देखते रहती है। आंसू तो नीचे आ गया था, अभी घर चला गया। सारा दिन इसको नीचे ही जाना है, नीचे ही रहना है। जाओ नीचे ना, एक कुटिया बना लेना और वहीं पे रहना तुम। आज मैं बहुत दिनों बाद अपना कुर्ता सिल रही थी, तो कुर्ता वैसे सिल के रेडी कर ली हूँ, थोड़ा बहुत और सिलना बाकी है। तो अभी मैं खाना खाने के बाद ना उसे कंप्लीट करूंगी। झटपटी पुलाव, झटपटी पुलाव का प्रेशर अभी निकला नहीं है। लंच करने के बाद ना मैं कुर्ता सिलने बैठ गई, आधा अधूरा ही सिला हुआ था, तो अभी पूरा इसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं ये कुर्ता सिलने के बाद कैसा लग रहा है। सिल रही थी वो सिल के रेडी कर ली हूँ, कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना जरूर। एक कुर्ती मैं दुपट्टे से बनाई हूँ और इसका कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वही कुर्ता आज मैं सिली हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर। अभी पूरा लुक मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, इसका कलर तो इतना अच्छा है ना। बना है कल रात को ना मैं वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं ये क्लिप नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। तो देखिए ये कुर्ती कैसे मैं सिली हूँ, एकदम सिंपल है। कटिंग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन इसका स्टिचिंग शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जो मेरा सेकेंड वाला चैनल है ना उस पे वीडियो मैं डालूंगी कटिंग का और स्टिचिंग का, फिर से मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के डालूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कुर्ते के कटिंग अच्छे से होगा ना तो स्टिच करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसकी फिटिंग तो बहुत ही अच्छी आई है और कटिंग तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस तरह से कुर्ती बनाए, आगे और पीछे दोनों साइड से सेम है, लेकिन यहाँ का जो डिजाइन है ना इसमें का थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था मेरे पास, तो उसी कपड़े को मैं यहाँ पे ज्वाइन करके और देखिए गोटा पट्टी लेस लगा के इस तरह से मैं डिजाइन बनाई हूँ। तो ये कुर्ती का लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है और इससे ये पता भी नहीं चल रहा है कि खुद से स्टिच किया हुआ है, रेडीमेड जो कुर्ती होता है ना उस टाइप का दिख रहा है। तो देखिए
नीचे यहाँ पे भी मैं लेस लगाई हूँ और ये लेस की वजह से और भी अच्छा लग रहा है। और ये लेस मैं मार्केट से लेकर आई थी बहुत टाइम पहले। और देखिए ये वाला लेस ना स्लीव में भी लगाई हूँ। ये कुर्ती पहनने पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये दुपट्टे से बनाया हुआ कुर्ती है। तो देखिए इस तरह से आप दिमाग लगा के दुपट्टे से भी कुर्ती बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा बड़ा दुपट्टा है, जैसे कि दुपट्टे की लेंथ बहुत बड़ी होती है और चौड़ी भी होती है, कोई अनजान आदमी देखेगा ना तो इसे देख के नहीं बोलेगा कि ये दुपट्टे से बनाया हुआ कुर्ती है। तो देखिए बन गई ना एकदम डिजाइनर कुर्ती, तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और मेरे दिमाग में कोई चीज बैठ जाता है ना, अगर मैं सोच लेती हूँ कि इस चीज का अगर ये बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा, तो मैं बना के ही रहती हूँ। तो मेरे दिमाग में बैठ गया था इसका कुर्ती बहुत अच्छा लगेगा। कर दिया मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। आप लोगों को कुर्ता कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, वैसे मैं पहनी हुई थी ना, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, चाय के साथ टोस्ट खाएंगे। जिशनी को नीचे लेके चली गई थी क्योंकि ये रोज़ का ड्यूटी रहता है, आप लोग को पता ही है, शाम होते ही उसको लेके जाना पड़ता है। नीचे एक बार चले जाते हैं ना फिर मुझे भी मन नहीं होता है आने का, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड लोग से बातें करते रहते हैं तो फिर अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और आज चाय पीने में भी थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि अभी 7:30 हो गया था। और अभी चाय पीने के बाद ना तुरंत खाना भी बना लूँगी फटाफट से। और नीचे से भी टहल के आ गए हैं। आने के बाद ना मैं गैस क्लीन की हूँ, किचन काउंटर पर पहुंची हूँ और अभी मैं दूध चढ़ाई हूँ गर्म होने के लिए। और अभी मुझे बर्तन धोना है क्योंकि कल है मंडे और कल से फिर भागना पड़ेगा। ऋषानी के पीछे, ऋषानी स्कूल जाएगी कल मंडे, कल स्कूल जाना पड़ेगा। कल से पूरा, कल से फ्राइडे तक भागना ही पड़ेगा। मम्मी आज संडे था, आप हाउस नहीं कर। सॉरी बेटा, भूल गया मम्मा। फिर से संडे आएगा, फिर से आप मेरी हाउस कर देना। ठीक है, अभी आप दे देना। ठीक है, ठीक है। सारे काम खत्म हो गए, किचन क्लीन हो गया, हल्दी वाला दूध भी बन गया और अभी मैं जा रही हूँ सोने। और अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, 11:30 हो गया। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, योर ड्रीम, बाय 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 दोस्तों।